48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की जुलाई किस्त का भुगतान साथ में ही 3 महीने के एरियर को लेकर आई बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, जैसे कि त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक भी जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं किया है, जिसका कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसी की वजह से सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने 10 अक्टूबर 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और यहाँ पर उनसे बहुत जल्दी यानी कि दशहरे से पहले ही महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के साथ में 3 महीने के एरियर दिए जाने की मांग की है। और वित्त मंत्री जी को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार साल में 2 बार यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते का ऐलान करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और अब से पिछले वर्षों में केंद्र सरकार सितंबर के महीने में ही महंगाई भत्ते का ऐलान करती आई है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सितंबर निकल चुका है और अक्टूबर यहाँ पर चल रहा है और दशहरा भी जल्दी ही आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार ने जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी नाराज हैं। तो यहाँ पर आगे मांग उठाई गई है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जल्दी ही यानी कि दुर्गा पूजा से पहले ही जुलाई 2021 से मिलने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान करे, साथ में ही जो 3 महीने का एरियर है उसका भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दुर्गा पूजा से पहले उनके खाते में करे। तो इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और काफ़ी अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है कि दुर्गा पूजा से पहले ही कर्मचारियों को जुलाई 2021 से मिलने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाए, साथ में ही जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का जो एरियर है उसका भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दुर्गा पूजा से पहले ही किया जाए। तो इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।